हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू कंसेप्ट इन सिंपल इंटरेस्ट। इट इज दे द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड सम। नाउ प्रिंसिपल, और जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो गिवन होगी देन हाउ टू यूज दिस मेथड। लेट्स सी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वहाँ से आप इजीली समझ पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और कैसे कैसे आप लोग यूज कर सकते हो। देखिएगा, कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज रुपीज 1/16 ऑफ द प्रिंसिपल। अब देखो, 1/16 का यहाँ पे मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपका रहेगा SI और ये रहेगा आपका प्रिंसिपल, एंड दस द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज, फाइंड द रेट। अब बच्चों, वी नो दैट द सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू आपका रहता है रेट मल्टीप्लाई टाइम परसेंटेज के। ये मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में जो है बताया है आपको। तो और SI फाइंड कैसे करते हैं बच्चों, वो रहता है जी सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 100 के। तो ये भी अपने पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल है। तो मैं इसकी परसेंटेज बना लेता हूँ, यानी SI की परसेंटेज अपने पास क्या रहेगी, 1/16 मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं। क्या किया है आपने, यहाँ पे किया है आपने SI डिवाइड बाई प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई में 100। दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम, एंड रेट एंड टाइम बोथ आर इक्वल। लेट्स से आपके पास रेट भी x है, रेट इक्वल टू x है और टाइम भी इक्वल टू x है, दैट विल बी इक्वल टू x इंटू x। ठीक है जी, सोल्व करने की ट्राई करते हैं। देन x विल बी इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ आपका रहेगा 100 डिवाइड बाई 16, और यू कैन से 10 डिवाइड बाई 4, राइट, और 5 डिवाइड बाई 2% शुड बी द आंसर देयर। ठीक है, काफ़ी इजीली आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे बता सकते हो और बहुत ही आसान जो है चीज़ रहती है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अगर इसी को नॉर्मल वे से किया जाए तो कैसे होगा। देखिएगा, वी हैव गिवन दिस मच ऑफ थिंग, दैट मीन्स कि 1/25 गिवन है। ये आपका क्या रहता है SI, ये रहता है आपका प्रिंसिपल, और रेट और टाइम जो है इक्वल हैं बच्चों। देखिएगा करेंगे कैसे, वी नो दैट द फॉर्मूला SI इक्वल टू क्या रहता है आपका PRNT डिवाइड बाई रहता है 100। दैट मीन्स बच्चों, आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यू अब सब्सिट्यूट करनी होगी, ये रहा 1, ये रहेगा 25, मल्टीप्लाई आर एंड टाइम बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स दे आर इक्वल टू x डिवाइड बाई 100। तो 25 से ये 4 पे कैंसिल आउट, दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आपका रहेगा 4 एंड x विल बी इक्वल टू 2। तो टाइम भी 2 है और रेट भी 2 है, तो 2 जो है आपका यहाँ पे आंसर जो है बन जाएगा। अब डायरेक्टली उस वे से भी निकाल सकते हो, तो यू हैव टू फाइंड द जस्ट परसेंटेज वैल्यू ऑफ दिस थिंग, और इट इज इक्वल टू रहता है आपका 4%, यानी 4% मीन्स आपका रहेगा रेट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू आपके पास 4% है बच्चों। दैट मीन्स x इंटू x इज इक्वल टू 4% और x विल बी इक्वल टू 2। तो अगेन सेम परसेंटेज वे से आप लोग आंसर बता सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा, वी हैव गिवन 4/9। 4/9 की अगर मैं परसेंटेज बनाता हूँ तो ये चीज़ रहेगी, और इट इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम, रेट एंड टाइम आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू x इंटू x परसेंट की। तो ठीक है बच्चों, x की वैल्यू क्या रहेगी, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 400 डिवाइड बाई 9, और यू कैन से इट विल बी 20 डिवाइड बाई 3 और 6/3 परसेंट कह लो या टाइम कह लो, वो आपका यहाँ पे निकल जाएगा। काफ़ी आसान होता है, इजिली जो है आप लोग निकाल सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।